क्लोन पर आक्रमण पार्ट टू, मिलकर लड़ेंगे। ध्यान से सुनो, वो पल आ ही गया। वो क्लोन्स कोई खेल नहीं खेल रहे हैं, ये हमारे ग्रह पर आक्रमण है। कोई बड़ी बात नहीं, हम तीन हैं और हमें मुकाबला करना है 60,000 एलियन से। ये तो हम सबके बाएं हाथ का खेल है, क्यों? टोनी देखो, इसके पहले कि ये दुनिया पूरी तरह से तबाह हो जाए और हम सभी अंगारे बन जाए, मुझे तुमसे कुछ कहना है। वो एक मिनट पेपर, हम किसी से भी हार नहीं मानेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए हमें जीतना ही होगा। बिल्कुल टोनी, पर मुझे बस एक बात कहने दो जो मैं तुमसे कब से कहना चाहती थी। संभल कर। ये तो बहुत ज्यादा है। कंप्यूटर, निक फ्यूरी को कॉल करो। जनरल फ्यूरी, क्या आप सुन सकते हैं? हमें आपकी मदद चाहिए। अपने आप को समझता क्या है अंतरिक्ष के कचरे? वाह, क्या मजा आया मुझे। बहुत बढ़िया रेस्क्यू, अपनी नजरें आसपास रखो, तुम्हारे पीछे। माखनवान नेता, ये बेवकूफ कुछ नहीं कर सकते, ये पूरा ग्रह कोई मायने नहीं रखता। मुझे कैदी बना लीजिए और पृथ्वी को बख्श दीजिए। महान पर बेवकूफ जीन खान, तुम्हें लगता है तुम्हारे इरादे तुम्हें हीरो बना देंगे? तुम ताकत की 10 रिंग्स के बिना कुछ भी नहीं हो, और जहां तक तुम्हारे मामूली ग्रह का सवाल आता है उसका सर्वनाश होगा। रेस्क्यू, बाएं, दाएं, सामने, मुझ पर हर तरफ से दुश्मन के जहाज हमला कर रहे हैं, सारी दिशाओं से। पेपर, पेपर, वॉर मशीन, रोडी, नहीं। मैं नहीं चाहता कि सारा क्रेडिट तुम तीनों ले जाओ, है ना? निक फ्यूरी, ब्लैक विडो, हम लोगों को सड़कों से हटा रहे थे, हमें लगा उन्होंने तुम्हें अगवा कर लिया। बहुत ही लंबी कहानी है। मैं ठीक हूँ, बस सिर में थोड़ी चोट आई है। चलो रेस्क्यू, हमें आगे बढ़ना है। ठीक है बदसूरत छिपकली, देखते हैं तुम्हें कितना दम है। जितना सोचा था उससे कहीं ज्यादा दम है। हॉकआई, मैंने शर्त लगाई थी कि मैं कभी दुनिया का अंत देख नहीं पाऊंगा, पर मैं जिंदा हूं। वाह, शर्त हार गया और अब दुनिया का अंत देख पाऊंगा। क्लिंट, मुझे लगा था कि तुम नहीं रहा। ताशा, नहीं, मैं अब भी जिंदा हूं। क्या मुझे लिफ्ट मिलेगी? तो डिनर और मूवी के बारे में क्या ख्याल? मैंने सुना है एलियंस की बहुत अच्छी मूवी लगी है। क्या इसका मुंह कभी बंद होगा? हम लोगों को मदरशिप पर वार करना है। आयरन मैन कहाँ है? रेस्क्यू, नीचे उन लोगों की मदद करो, मैं जाकर उन जहाजों को संभालता हूँ। ठीक है, मैं समझ गई। सब लोग आगे बढ़ते रहो, किसी सुरक्षित जगह पर जाओ। 49 और ब्रॉडवे पर एक हॉल में आप शरण ले सकते हैं। क्या हो रहा है? पापा, नहीं। आयरन मैन, इस वॉइस मॉड्यूलेटर को ऑन कैसे करते हैं? नहीं आयरन मैन, नहीं मिस्टर पॉट्स, आप मुझे बुला सकते हैं रेस्क्यू। एक मिनट, तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? आप एक मशहूर फेडरल एजेंट हैं, आपके बारे में कौन नहीं जानता। बाय पा, मेरा मतलब मिस्टर पॉट्स, संभल कर रहिएगा। एलियंस दोस्त क्यों नहीं हो सकते? ये तो बिल्कुल फिल्मों जैसा है, या तो वो हमें तबाह करेंगे या फिर खत्म करेंगे, लेकिन हम एक का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। वॉर मशीन, रेस्क्यू, जनरल फ्यूरी, अभी के लिए आसमान साफ हो चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो हमला नहीं कर रहे, अभी तो सब शांत है। ये तूफान के पहले की शांति है, वो हमें परख रहे हैं। मुझे मालूम है मक्लोन के पास 10 हाईटेक रिंग्स हैं, जिनमें से वो असलियत पर काबू पा सकता है। अगर वो चाहता तो पलक झपकते ही हमें मिटा सकता था, लेकिन नहीं, उसके लिए ये सब खेल है। उस घेरे में मुकाबला करवा के उसने ये बात साबित भी कर दी। अब हम क्या करें? हम ऐसे उन पर हमला नहीं कर सकते। बंदूक की फैक्ट्री ठीक कह रहा है, शहर के आकार जितने बड़े जहाज को उड़ाते कैसे हैं? पापा, मेरी बात सुनिए, क्या वो मशीन तैयार हो गई है? मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ बेटे, पिछली वाली तोप अचूक थी,
उसे बनाने में हफ्तों लगे थे, ये वाली बहुत जल्दी बन गई है। अगर इसने रिंग्स को नष्ट नहीं किया तो इस वक्त अगर आप खिलौना भी देंगे तो मैं उसका इस्तेमाल करूंगा। जैसे ही ये बन जाएगी मैं तुम्हें कॉल करूंगा। सचमुच ये तीनों चैंपियंस बहुत दिलचस्प हैं, खासकर वो जो खुद को आयरन मैन कहता है। वो एक निस्वार्थ इंसान है, तुमसे बहुत अलग इंसान। आयरन मैन और उसके दोस्त बहुत ज्यादा जिद्दी है, वो कभी हार नहीं मानेंगे। देखते हैं कि वो मकलू ग्रह के रोबोट रखवाले का सामना कैसे करते हैं। हम उसे कहते हैं अल्टिमो। ठीक है, अब ये बताओ ये है कौन? एक रोबोट जिससे हम बहुत पहले लड़े थे जब वो एक रिंग का रखवाला था। तुम एक्सट्रीमिस्ट से उसे बंद नहीं कर सकते? मैं कब से कोशिश कर रहा हूँ पर कोई फायदा नहीं, उनकी तकनीक बहुत कमाल की है। रणनीति बनाओ आयरन मैन, तुम्हारी टीम ऊपर से वार करेगी और हम नीचे से उसके पैरों पर। पर कैसे? एक बड़े से केले के छिलके से? नहीं, इनसे। एक थर्मल डिस्क एक टैंक को बर्बाद कर सकती है। चलो सब लोग, हम उनका ध्यान बटाते हैं। हम कर पाएंगे। पकड़ लिया। जब मैंने अच्छी टीम में शामिल होने का फैसला किया, किसी ने ये नहीं बताया कि हम एलियन से मुकाबला करेंगे। मुझे लगा हम चोरों और गुंडों का सामना करेंगे। तुम हमेशा से कहते थे ना कि तुम मशहूर होना चाहते हो, लगता है आज तुम्हें मौका मिलेगा। सब लोग चुप हो जाओ और ध्यान लगाओ, हम लोगों को उसका ध्यान बांटने का इंतजार करना होगा। फ्यूरी विडो, नहीं से हो तुम के डब्बे। मैंने कहा था ना तुम्हें जब भी जरूरत होगी मैं वापस आऊंगा। अब देखो हल्के जले। हल्क आ गया, क्या बात है। अगर मुझे किसी को तोड़ने में मजा आता है तो वो है जायंट रोबोट। शुक्रिया दोस्त हल्क। रोबोटा रोज आपको कॉल कर रही है। माँ कनेक्ट करो। जेम्स तुम कहाँ हो? मैं कब से तुम्हें कॉल करने की कोशिश कर रही हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ माँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ बेटा, तुम न्यू जर्सी में ही रहना, मैं जल्दी से जल्दी तुम्हें अंकल निक के यहाँ मिलती हूँ। हाँ अंकल निक के यहाँ बिल्कुल। माँ मुझे जाना है, आई लव यू। सुनिए, उसके सेंसर्स खराब हो गए हैं, जनरल फ्यूरी यही मौका है। हॉकाई, उसका बायां पैर संभालो। ब्लैक विडो, हम दायां। ताशा, अगर आज हम बच गए तो मेरे साथ पेरिस चलना चाहोगी? मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि हम इसी वक्त चलते हैं। ये उसे बर्बाद करने के लिए काफी होना चाहिए। मेरे पास फूटने वाले सिर्फ तीन ही तीर बचे हैं। रोबोट फिर से उठने की कोशिश कर रहा है। आयरन मैन, ये क्या कर रहे हो? शायद वो नहीं करना चाहिए था, पर मजा आया ना? तुमने देखा वो? हाँ, लाल रंग के चिपचिपे बदबूदार छिपकली, तुम्हारी डरपोक चूहों की फौज है। हमें उन्हें और गुस्सा दिलाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, समझे हॉकाई? शुक्रिया। ये क्या, सब हट जाओ। मैं ब्लैक पैंथर हूँ, लगता है एक छोटे देश को बड़े देश की मदद के लिए आना ही पड़ा। और मुझे भी तुम्हें देखकर खुशी हुई। चलो सब पैंथर के क्विंजेट पर चलो, नई रणनीति बनाते हैं। सारे हीरो भाग गए और अब हम अपना फरमान जारी करेंगे जिस तरह हर इज्जतदार मकलुआन करता है। कौन सा फरमान? ये क्या बात कर रहे हैं आप? वो फरमान जिसमें हम दुनिया के अंत की घोषणा करेंगे। पृथ्वी हार चुकी है, अब मजा खत्म। इस ग्रह का अस्तित्व हमेशा के लिए मिटा देने का वक्त आ गया है। मैंने दूसरे सुपर हीरो से कांटेक्ट करने की कोशिश की पर कोई जवाब नहीं आया। मेरा दिल कहता है कि अब ये खेल खत्म हो चुका है, अब ये हम पर आक्रमण की तैयारी कर रहे हैं, काफी जाहिर सी बात है। तो प्लान क्या है? हमारे पास भग भग के लिए वक्त नहीं है। मेरे पास एक प्लान है, हो सकता है उससे हम खत्म हो जाएं, चाहे आर पार हो जाएं, हमें करना ही है। सबसे पहले हम दो टीम बनाएंगे,
पहले टीम ए जहाज में यहाँ से घुसेगी इस टॉप पोर्ट से। मेरा अंदाजा है कि ये रास्ता सीधे रिएक्टर कोर तक जाएगा और जहाज को उड़ाने के लिए उसे उड़ाना होगा। बढ़िया, जब तक मैं टीम ए का हिस्सा नहीं हूँ कोई प्रॉब्लम नहीं। टीम बी हैंगर से अंदर जाएगी और अंदर घुसकर मुकुलान को पकड़ कर रखना होगा। कामयाबी के लिए दोनों मिशन उतने ही मायने रखते हैं, समझ गए? नहीं, मुझे लगता है मैं टीम ए में ही ठीक हूँ। तो कौन सी टीम्स हैं? मुकुलान का सामना कवच वाले सदस्य, आयरन मैन, वॉर मशीन, रेस्क्यू और हल्क करेंगे, और हम सब रिएक्टर कोर को बर्बाद करेंगे। आयरन मैन, आप टोनी, रुको, देखो मैं इसके पहले कि हम दुनिया को अलविदा कहें, मुझे तुमसे कुछ कहना है। पर रेस्क्यू, अभी बात नहीं कर सकते, सच में मुझे पापा से बात करनी है। पापा सुनिए। आप सुन रहे हैं? हाँ सुन रहा हूँ बेटे। आखिरकार मुकुलान एनर्जी डिसरप्टर तैयार हो ही गया है। वैसे तो ये पुरानी तोप से 80 गुना ताकतवर है, बस मैंने अभी इसे टेस्ट नहीं किया है। मतलब आप नहीं जानते कि ये काम करती है या नहीं? सही कहा, मुझे इसे स्टार्क वन सैटेलाइट से अलाइन करना होगा, इससे उसकी बीम सीधे जाकर निशाने पर लगेगी। बढ़िया, प्रॉब्लम ये है कि आप वहाँ तक पहुँचेंगे कैसे? मुझे एक रॉकेट शिप और एक स्पेस सूट चाहिए। मुझे मुकुलान मदरशिप से वाइड फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिशन मिल रहा है, कुछ गड़बड़ लगती है। मैं अपने होलोग्राफिक प्रोजेक्टर से दिखाती हूँ, ये देखो। पृथ्वी के लोगों, हम हैं मुकुलान लोगों के महान नेता। तुमने साबित कर दिया है कि तुम एक पिछड़ी हुई प्रजाति से ज्यादा कुछ नहीं हो। तुम्हारी सेना कमजोर है, तुम्हारे हीरो एक नंबर के डरपोक है। हम यहाँ आए हैं ताकि अंतरिक्ष से एक पिछड़ी खुदगर्ज प्रजाति को हमेशा के लिए मिटा सके। अब बहुत हो गया, हमें आगे बढ़ना होगा। बिल्कुल ठीक, तो हो जाए, साथियों मिलकर लड़ेंगे। चलो, उनको सबक सिखाने का वक्त आ गया है। पर फिक्र मत करो इंसानों, तुम्हारे फटते हुए ग्रह से निकली ऊर्जा हमारे जहाज को ताकत देने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। मुकुलान साम्राज्य अमर रहे। कभी नहीं। तुम्हारी ताकत खोखले घमंड के अलावा कुछ नहीं। अब देखना मैं कैसे तुम्हारी हड्डियों से खींचकर मांस अलग करता हूँ। ये क्या, बैठिए, इंसानी योद्धा लौट आए हैं। चलो आज इन एलियंस को सबक सिखाते हैं। आओ, फैसले की घड़ी आ गई, हमें मुकुलान के पास जाना होगा। हाँ, पर हमें ये भी नहीं पता कि वो है कहाँ। वाओ हल्क, हमें उन रोबोट ड्रैगन से निपटना है अभी इसी वक्त। बड़े शौक से। ये ले। अगर मुझे एलियन से ज्यादा किसी चीज से नफरत है तो वह है उनकी मशीन। आखिरकार पापा सुनिए, स्पेस कवच में सब कुछ ठीक है ना? बहुत बढ़िया बेटे, इसे उड़ाना आसान है, मैं सैटेलाइट पर पहुंचने वाला हूँ। अब मैं दोनों को जोड़ रहा हूँ। इसमें 20 मिनट लगेंगे। 20 मिनट? शुक्रिया रेस्क्यू। अब हिसाब बराबर। सैनिक बर्बाद हो चुके हैं, अब क्या, हमें उसके सिंहासन के कमरे में जाना होगा। उम्मीद है ये काम करेगा। आयरन मैन एक चीज अच्छे से जानता है, तकनीक। रिएक्टर कोर, मेरे पास भी देने के लिए काफी एक्सप्लोजिव्स हैं। दोस्तों, हम लोग यहाँ अकेले नहीं हैं। आगे बढ़ते रहो, रिएक्टर तक पहुँचने के लिए हमें उनकी कतार को तोड़ना होगा। कतार टूट गई समझो। इनमें इतना दम नहीं है। Clint!
मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा चक्कर आ रहा है तुम्हें देखकर। ताशा मजाक बंद करो और जरा सीरियस हो जाओ। क्लिंट जैसा तुम कहो। चलो निक फ्यूरी, कुछ धमाका किया जाए। मुझे तुम्हारी सोच पसंद है। देखो वो रहे तो उसने तुम्हें अपना पालतू चूहा बना लिया है ना जी। मैं तुम्हारी मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझे स्टार्क? मैंने ये कभी नहीं चाहा था। आज हमारा ये अंजाम तुम्हारे लालच की वजह से हुआ है। तुम ग्रह के रक्षक नहीं हो, तुम तो उसके विनाशक हो। बिल्कुल ठीक कहा आयरन मैन। अब चलो मुकाबला हो जाए, मुझे चुनौती मंजूर है। और मुझे भी बहादुर चिपकवे। ये क्या, माकलवान तो हल्की तरह ही ताकतवर है। हाँ, रिंग्स की वजह से। अब तू क्या एलियन? कभी नहीं। तो बुरा शैतान एक और आम इंसान था, वो इसी का भी था। और अब हमारे सामने है कवच पहने तीन जी। एक बात कहता हूँ मकलवान, हमें इंसान बनना ज्यादा पसंद है। बेवकूफ, ये बहुत ताकतवर है। बंकर बस्टर चलाने का वक्त आ गया है। मेरी बारी। तुमने टाइमर सेट कर दिया? वही कर रहा हूँ। मैं टाइमर सेट नहीं कर पाया। हॉकाई, काम हो गया समझो। चलो यहाँ से निकलो। और भी आ रहे हैं, लगता है पूरी की पूरी सेना है। क्विंजेट लॉक चलो अभी। बेवकूफ खड़ियालो। मकलोन तुम गए क्योंकि हम तुम्हारा खात्मा करके छोड़ेंगे। क्या बात है, अब तो हार मानी लेनी चाहिए। अब तुम गए काम से। पापा, मकलोन डिसरप्टर कहाँ तक पहुँचा? बहुत ज्यादा मुश्किलें आ रही है बेटे। मैं सिस्टम का निशाना जहाज की तरफ सेट नहीं कर पा रहा हूँ। आप बीम एक्टिवेट कर दीजिए पापा, मेरे पास एक प्लान है। मैं एक्सट्रीमिस्ट से टारगेटिंग सिस्टम काबू करूंगा। हो सकता है मकलोन तकनीक को काबू ना कर पाऊँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कारनामे ना दिखा सकूँ। क्या है? इसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं। मैं तुम्हें खत्म कर रहा हूँ। नहीं, मेरी रीस, ऐसा कभी नहीं हो सकता। नहीं। हमने कर दिखाया, उसकी रिंग्स कुछ देर के लिए बेकार हो गई है। आयरन मैन कमिंग, जहाज फटने में सिर्फ 60 सेकंड बाकी है, जल्दी करो। हमें निकलना होगा। रुको, जीन कहाँ है? ओ नहीं, मैंडरिन लौट आया है। वो रिंग्स हमारी है। तुम निकल जाओ, ये जगह तबाह हो जाएगी। मकलोन को मैं संभालता हूँ। जीन, उन्हें बाहर निकालो। टोनी, नहीं। हमें पावर कोर बंद करना होगा। भूल जाओ, सब खत्म हुआ। वार्निंग, रिएक्टर कोर फटने वाला है। 5 सेकंड में जहाज में विस्फोट होने वाला है। सब शांत हो जाइए, पृथ्वी के दुश्मनों का खात्मा हो चुका है। टोनी स्टार्क, ये तो क्या बात है? ये क्या, मेरा मास्क नहीं है।
देखा तुमने? तो यकीन नहीं होता। टोनी स्टार्क, टोनी स्टार्क, यकीन नहीं होता। तुमने मुझे बताया नहीं जेम्स रो, तुम 22 साल के होने तक नजरबंद किए जाते हो। पर इसके पहले मैं तुम्हें गले लगाना चाहती हूँ बेटा। मुझे कहना होगा पेट्रिशिया, मैं हमेशा से जानता था कि मेरी बेटी एक सुपर हीरो है। ओ, आप बहुत अच्छे हैं। और मेरा नाम पेपर है पापा, या उससे भी बेहतर रेस्क्यू। टोनी, तुमने सबको बचा लिया और अब सब जान गए हैं कि तुम ही आयरन मैन हो। हाँ, बहुत लंबी कहानी है, आपने कर दिखाया पापा, आप हीरो हैं। मैं नहीं, असली हीरो तो तुम हो। ठीक कहा, तुम्हारे प्लान के बिना हम उसके सामने टिक नहीं पाते, तुम एक नेचुरल लीडर हो। टोनी, अब तो मैं तुमसे कुछ कह सकती हूँ ना? हाँ क्यों नहीं, लेकिन पहले मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। फिर से कोई बहाना है ना? टोनी। ठीक है, तुम लोग मुझे शर्मिंदा कर रहे हो, मैं बेचैन हो रहा हूँ। क्या मैं तुमसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? जीन का क्या हुआ? हाँ, ऐसा लगता है कि अब हम उससे कभी नहीं मिल पाएंगे। आपने ठीक कहा था माँ, मेरा जन्म दुनिया पर राज करने के लिए नहीं हुआ, बल्कि दुनिया को बचाने के लिए हुआ है। तो अब तो पूरी दुनिया जानती है कि हम सुपर हीरोज हैं, अब हम क्या करेंगे? कम से कम अब हमें अपने पेरेंट्स से झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। पर हाँ, ये हमारी जिंदगी का बहुत बड़ा बदलाव होगा। एक अच्छा बदलाव, ऐसा लगता है अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उम्मीद है अब दुनिया पर कोई मुसीबत नहीं आएगी, और अगर आई भी तो उसे दूर करने के लिए हम हैं ना।